बैन हो ओ गया माय बैन बैन क्या? और है कोई हो और? गया बैन हो गया। अरे ये बैन नहीं हुआ, कूदा है साला, ये छुप रहा है, छुप जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक। तो भी यार क्या सीन है कि वापस से थोड़े बहुत हैकर्स अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यार मतलब जो नॉर्मल ESP वगैरह लगा के खेलते हैं उनसे तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यार ये जो स्पीड हैक लगा के खेलते हैं ये वाले बंदे काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि आप जोन के कितने भी बार फिर होल्ड करो ये बंदे आपको जोन के बाहर आके फिनिश कर देंगे। तो यार कभी भी अगर आपका कोई हैकर अर्ली माइनस लगाता है तो यार वाले हैकर को रिपोर्ट जोर से किया करो। तो यार रिपोर्ट करने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो यार हैकर बैन हो गई, और यार दूसरा जितना भी उस हैकर ने आपका माइनस लगाया होगा उस हैकर के बैन होते ही वो सारे पॉइंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। अब यार यहाँ पे ये वाले हैकर ने 39 किल्स कर दिए, इसके बाद बंदा जो था हवा में उड़ने लग जाता है, उतने में एक हैकर यहाँ पे जो था लाइव बैन हो जाता है। पहले मेरे को भी लगा ये वाला हैकर बैन हुआ है, लेकिन यार मैच में शायद से कोई और एक हैकर था, वो वाला हैकर बैन हुआ था। तो यार अभी भी यहाँ पे टोटल 22 बंदे लाइव से, ये वाला हैकर अगर चाहता तो यार आराम से 50-60 किल कर सकता था, लेकिन यार ये वाले हैकर में थोड़ा बहुत दिमाग तो था ये आप बोल सकते हो। BGMI में ऐसा सीन है कि अगर कोई भी हैकर या फिर कोई एक नॉर्मल प्लेयर भी 40+ किल्स करता है तो यार उसकी आईडी तभी बैन हो जाती है। तो यार यहाँ पे ये बंदा 39 किल्स करके खुद ही से मर जाता है। और ये वाला बंदा वैसे काफी अपना दिमाग लगा रहा था अपनी आईडी को बैन से बचाने के लिए, लेकिन यार आज मॉर्निंग में इसके बैन होने का मेरे को मेल आ गया था। तो यार मेरे को भी हैकर ने अर्ली मारा था, लेकिन यार मेरे पास टीयर प्रोटेक्शन था इस वजह से मेरा माइनस नहीं हुआ था, और बाई चांस अगर मेरा माइनस हुआ भी होता तो भी मेरे को पॉइंट्स जो थे वापस अपने मिल जाते। तो यार फिलहाल ये वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं अभी के लिए। ये वाले कंपाउंड एकदम सेंटर में, जब यार लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में मेरे को एक बग्गी दिख गई थी तो मेरे को लगा ये वाले कंपाउंड पे कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन यार अभी यही वाले कंपाउंड से मेरे को बंदे का साउंड आ जाता है। अब यार यहाँ पे मैंने एडवांस में एक नेट कुक कर लिया था, जिसका कि शायद से ये वाले बंदे को कोई आइडिया था नहीं, तो बंदा बाहर ओपन में शॉर्ट्स लेने के लिए आता है, लेकिन ये वाला बंदा फिलहाल के लिए इजी फिनिश हो गया। तो यार यहीं पे मैं इसके बाद वाला भी जोन बनने का वेट कर लेता हूँ यार, लेकिन अभी के लिए भी ये वाला जोन अपने ऊपर ही बन गया था तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन अब यार यहाँ पे इसके बाद वाला जोन भी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था, तो यार ये वाला जोन अभी अपने शिफ्ट हो जाता है, और यार जोन एकदम ओपन में बन गया था, जोन के अंदर कोई भी अभी कंपाउंड नहीं था। तो यार यहाँ पे बाहर वाली साइड से काफ़ी मेरे को गन साउंड आ रहा था, तो मैं सोचा कि ऊपर छत पे जाके बंदों को थोड़ा बहुत स्पॉट करने में ट्राई करता हूँ, मे भी अपने कोई बंदा ओपन में स्पॉट हो जाए। अब यार ये वाले बंदे को हल्का सा डैमेज तो पड़ा था, अभी के लिए बंदा वहीं पे रुक गया था, लेकिन ये वाले बंदे को अभी जोन में तो आना ही था, और अभी सामने बंदे ने स्मोक वगैरह अपने लिए कर लिया था। तो यार ये वाले बंदे को तो इजी यहाँ पे गाड़ी से उतार दिया, फिलहाल के लिए अपने को भी अभी जोन के अंदर निकलना ही है। तो यार ये वाली जगह अभी के लिए जोन के अंदर ही, तो यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। अब यार सामने साइड से ये वाले बंदे ने अपने को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, तो यहाँ पे हील करने से पहले एक मैं सामने साइड पे स्मोक कर देता हूँ ताकि यार वो वाले बंदे का व्यू थोड़ा बहुत ब्लॉक हो जाए। अब यार ये बंदे ने अपनी बग्गी तो डैमेज करी थी, तो भी सामने वाले बंदे का व्यू भी ब्लॉक था, तो मैं सोचा आगे जाके थोड़े बहुत ये बंदे पर मैं नेड करने का ट्राई करता हूँ। तो यार ये वाला बंदा यहाँ पे लास्ट वाले नेड में फिनिश हो गया, लेकिन अभी के लिए भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोन के बाहर ही था, लेकिन सामने साइड जहाँ पे ये बंदे को फिनिश किया था ये जगह भी जोन के अंदर थी, तो डायरेक्ट भी ये बंदे की क्रेट पे मैं आ जाता हूँ।
तो अभी सामने वाली साइड पे बंदों की फाइट हो रही थी, तो अभी सिर्फ मेरे को छोड़ के यहाँ पे दो बंदे और लाइव थे, जिसमें से एक बंदा तो मेरे को पता था अपने सामने राइट साइड में ही कहीं पे, लेकिन दूसरे बंदा कभी के लिए मेरे को आइडिया था नहीं। अब यार ये वाली झाड़ी के अंदर एकदम आराम से मैंने लेट रखा था, लेकिन तभी मेरे को राइट साइड से एक BRDM का साउंड आता है। अब यार यहाँ पे अपना रीलोड आ गया था गन स्विच करके, जैसे जैसे बंदे को फिनिश कर दिया उतने में राइट साइड में लास्ट वाला बंदा भी ऊपर मेरे को लेटा हुआ स्पॉट हो गया था, लेकिन पहले अपने BRDM को मैं जोन के अंदर लाता हूँ और इसके बाद पहले मैं हील कर लेता हूँ। तो यार ये वाला बंदा भी यहाँ पे एकदम इजी नेट से फिनिश हो गया, बाकी ये वाला गेम प्ले अपना क्राउन 1 का था और यहाँ पे अपने को 40 का प्लस मिल गया था। तो यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले के, अभी के लिए जोन यहाँ पे बन चुका था तो ये वाला कंपाउंड मेरे को जोन के अंदर खाली मिल जाता है, तो अभी के लिए यहीं पर आके मैं होल्ड करता हूँ। इसके बाद वाला जोन भी अभी लकली अपने ऊपर ही बन गया था। तो ये वाले बंदे को तो एकदम इजी फिनिश कर दिया फिलहाल के लिए, जिसके बाद वाला जोन था अपने शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अभी मेरे को सामने वाले कंपाउंड से बंदों का गन साउंड आ ही रहा था। अब यार ये वाले बंदे को एक हेडशॉट पड़ा था, लेकिन बंदा कवर के अंदर निकल जाता है। फिलहाल के लिए अपने को भी अभी जोन के अंदर निकलना ही था। अब यार ये वाले नेट से मेरे को लगा बंदे को मे बी डैमेज पड़ गया होगा। लेकिन यार यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार ये वाले बंदे पे ग्रोज है, वरना ऐसे ओपन में मैं रश करने की ट्राई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 1 HP में मैं सर्वाइव कर गया था। फिलहाल के लिए ये बंदे की ग्रेट से ग्रोजा मैं उठा लेता हूँ। अब यार यहाँ पे सामने वाली साइड पे बंदों की फाइट हो जाती है, तो पहले मैं सोच रहा था थोड़ा आगे जाके नेट वगैरह करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये वाली जगह यहाँ पे जोन के अंदर थी, तो मैंने सोचा यहीं पे होल्ड करता हूँ, क्योंकि इस बंदे को छोड़ के दो बंदे अभी और अलाइव थे जिनकी की लोकेशन का मेरे को कोई आइडिया था नहीं। अब यार यहाँ पे जो इसके बाद वाला जोन था अभी सामने वाली साइड को शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला बंदा भी एकदम इजी फिनिश हो गया, फिलहाल के लिए जोन के अंदर भी मैं आ चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पे दो बंदे और अलाइव से। तो यार ये बंदे की ग्रेट से थोड़ी बहुत मैं लूट उठा ही रहा था, उतने में सामने वाली साइड से मेरे को एक और बंदे का भी साउंड आता है। तो यार यहाँ पे लास्ट वाला बंदा भी एकदम इजी फिनिश हो गया, बाकी ये वाले गेम में अपने को 33 का प्लस मिल गया था। तो अभी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे, तो अभी के लिए जोन यहाँ पे बन चुका था, मैं सोचा डायरेक्ट अभी कंपाउंड्स पे जाने का ट्राई करते हैं। अब यार यहाँ पे जो छोटा वाला कंपाउंड था उसके अंदर एक बंदा मेरे को दूर से स्पॉट हो गया था, तो मैं सोचा राइट साइड वाले कंपाउंड में जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक पहले से बग्घी थी, लेकिन लकीली ये वाले कंपाउंड पे कोई और बंदा नहीं था। तो ये जो अपने साथ वाला कंपाउंड था वहाँ पे पहले से एक बंदा था, और अभी एक और बंदा बग्घी लेके सामने रुक जाता है। तो यार ये वाले बंदे को तो इजी फिनिश कर दिया, लेकिन फिलहाल के लिए सामने वाले कंपाउंड में एक बंदा भी और था, और ये वाला बंदा मेरे को पता था अपनी पे अभी नेट वेट करने का ट्राई कर सकता है, तो थोड़ा यहाँ पे मैं सेफ आ जाता हूँ।
अब यार यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट रश कर देना चाहिए था, लेकिन इतने टाइम में बंदा जो था हील कर लेता है, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे ये वाले बंदे को फिनिश कर दिया। अब यार यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि शायद से सामने वाले कंपाउंड पे कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन सामने साइड से भी एक नेट आता था, मैं समझ गया था अभी सामने वाले कंपाउंड पे भी एक बंदा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा स्मोक वगैरह करके ये वाले बंदे की क्रेट से भी M7 की जगह पे M4 उठा लेता हूँ। अब यार यहाँ पे सामने रेड कंपाउंड में तो बंदों की फाइट हो जाती है, तो ये वाले कंपाउंड पे आके मैं रुकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी पहले से एक बंदा था। अब यार यहाँ पे ये वाले बंदे को जो सामने वाले कंपाउंड पे एक और बंदा था, वाला बंदा भी फिनिश कर देता है। अब तो यार यार फिलहाल यहाँ पे इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, तो जोन तो भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, लेकिन अभी सामने वाले कंपाउंड पे एक और बंदा आके रुक जाता है। अब यार यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड में नेट्स करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार कोई भी बंदा फिलहाल के लिए तो फिनिश नहीं होता है। लेकिन इसके बाद अभी नीचे वाली साइड पे दोनों बंदों की फाइट हो जाती है। अब यार ये वाले नेट से बंदा फिनिश नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका था, तो पहले मैंने सोचा जोन के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ, यार ये वाले बंदे को भी अभी जोन के अंदर तो आना ही है। अब यार यहाँ पे जो कंपाउंड वाला बंदा था, उसको राइट साइड से कोई और बंदा अच्छा खासा डैमेज देता है, लेकिन यार वो वाला बंदा जोन से फिनिश हो जाता है। दूसरा बंदा जो अभी जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल अभी के लिए जोन यहाँ पे नीचे वाली साइड को शिफ्ट हो गया था, तो मैं सोचा डायरेक्ट अभी पहले जोन के अंदर मैं चल लेता हूँ। तो यार ये वाले बंदे को भी इजी फिनिश कर दिया, उतने में राइट साइड में भी दो बंदों की फाइट हो जाती है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला बंदा था अपने को पता था राइट साइड में ही कहीं पे। तो यार अभी के लिए ये वाली जगह जोन के अंदर थी, तो यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। अब यार यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा था लास्ट वाला बंदा नीचे शैक के आसपास ही हो सकता है, तो यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था स्मोक वगैरह करके पहले ये बंदे का मैं व्यू ब्लॉक करता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे वाले पेड़ तक जाने का ट्राई करता हूँ। लेकिन अभी जो यार लास्ट वाला जोन था, उस बंदे से शिफ्ट हो चुका था, तो यहाँ पे मैं सोचा कि मैं जोन के अंदर पहले निकल लेता हूँ, अपने को ज़्यादा फायदा रहेगा। अब यार ये वाले बंदे को अभी जोन के अंदर तो आना था ही, तो एक मैं एडवांस में सामने वाली साइड पे मॉली कर देता हूँ। अब यार यहाँ पे अभी तक भी बंदा जोन के अंदर नहीं आया था, तो मैं समझ गया था बंदा मे भी अभी हील वाइडल करने का ट्राई कर रहा है।
तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन में आके बंदे को किल करने का लालच देता हूँ, लेकिन यार उतने में सामने वाला बंदा फिनिश हो गया। बाकी ये वाले गेम में अपने को 33 का प्लस मिल गया था। तो यार एस मास्टर अपनी हो चुकी है, करंट रैंक अपना भी 3000 के आसपास कुछ चल रहा है। बाकी यार देखते हैं कितने दिन अपने को और अभी कॉन्कर के लिए लगने वाले हैं। बाकी यार सेम अपना 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा डेली का, तो आई गेस 3 दिन में अपना कॉन्कर लग जाना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होता है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।